ये पार ब्लू ओपलैंड का चेक से देखें, ये ब्लू टू में से आया माशाल्लाह, इसके चेक करें आप इसकी। नहीं इसमें से वो भी आया है ग्रीन है, वो पॉसिबल हो जाएगा ब्लू टू, तो जो इसमें से ब्लू आएगा वो ग्रीन पी एल फेलो का चेक से होगा। ये देखें माशाल्लाह से इसके अंदर, ये देखें ये स्टैंड इसमें फिर ग्रीन पी एल फेलो होगा। ये क्रीमिनो देखें इसमें बाइनो रेड आइज है, ये ब्लू फिशरी है, और ये देखें इसके अंदर फिर क्रीमिनो आया हुआ। ये देखें ने भी अभी तक 7-8 क्रीमिनो दिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एनिमलर से आपका मेज़बान रिज़वान अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन आज मेरे साथ मौजूद है मानी जठोल साहब, जिन्होंने एक लव बर्ड का सेटअप लगाया हुआ है, साथ में ये जॉब भी करते हैं और अपने घर के एक रूम में इन्होंने लव बर्ड का सेटअप लगाया हुआ है। 60% इन्होंने कमर्शियल पेयरिंग की हुई है और 40% इन्होंने म्यूटेशन के बर्ड्स लगाए हैं। मानी जठोल साहब से हम पूछेंगे कि ये जो लव बर्ड का इनका सिलसिला चल रहा है, जो सफ़र चल रहा है, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया था। अभी इन्होंने मुझे ये बताया कि इन्होंने जो ये सेटअप लगाया हुआ है 4 पेयर से इन्होंने स्टार्ट किया था और माशाल्लाह से आज इनके पास 15-20 पेयर लव बर्ड के पड़े हुए हैं। कमर्शियल के 60% है, माशाल्लाह से अच्छी क्वालिटी के बर्ड्स लगाए हुए हैं। मानी जठोल साहब से पूछेंगे हम कि ये जो लव बर्ड का बिजनेस कर रहे हैं कैसा है और कौन कौन से बर्ड्स की म्यूटेशन लगाई हुई है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के बटन को दबा लें ताकि नई आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मानी भाई कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। मानी भाई शुक्र है अल्लाह का ये भी कि आपने हमें टाइम दिया। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम हर किसी भाई को टाइम देते भाई है आप ही। सही हो गया माशाल्लाह से, अभी सोए उठे हैं, सोए उठ के इन्होंने इनसे बात हुई है, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ वीडियो बनाने। मानी भाई ये बताए हमें कि इस वक्त कौन सी पेयरिंग की हुई है। सबसे पहले तो ये बताइए कि जब आपने ये लव बर्ड का सेटअप लगाया था कितने बर्ड से आपने स्टार्ट किया? मैंने जब इसका सेटअप स्टार्ट किया ना तो मेरे पास ना 4 पेयर थे, 2 थे अल्बाइनो ब्लैक आइज के और 1 था लैटिनो का और 1 पेयर लगाया था। पकड़े थे या लिए थे? लिए थे, पकड़े नहीं, जंगल में थोड़ा गया था, पकड़ लिए थे मैंने 4 पेयर। तो उससे ही मैंने उन 4 पेयर को क्या करता था, एक एक बर्ड उनका खुद रखता था, बाकी एक बाकी सेल कर देते थे और बाहर से एक एक बर्ड फिर परचेज करता था। एक तो ब्लैंडन अच्छी हो जाती थी इनकी और हर साल ऐसे किए मैंने, 2-4 पेयर ऐड करते करते यहाँ तक आ गया। अल्बाइनो ब्लैक से स्टार्ट किया और माशाल्लाह इस टाइम पेल फैल ओपलान तक मेरे अपने घर की ब्रीड आई हुई है। नाज़रीन मानी भाई ने कहा है कि इन्होंने अपने बर्ड्स की खाला और फुफियों के साथ शादियां नहीं की, बाहर इनके रिश्ते ढूंढे। ऐसे ही किया, बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। और ऐसे अगर आप इनके आपस में पेयरिंग करेंगे ना, इनके जो पेरेंट्स हो गए या उसी में से लगा दिया तो फिर ब्लैंड स्ट्रॉन्ग नहीं होती इनकी। तो ऐसे ही है कि जब आगे इनके जो चीक्स आते हैं वो इसके जितने 5 एग ले किए, 6 किए, उसमें से उतने चीक्स आते हैं और सरवाइव भी करते हैं सारे। सही हो गया, इससे ये फायदा। भाई कितने पेयर लगाए हुए हैं कमर्शियल के, कौन कौन से लगाए हैं आपने? कमर्शियल मैंने 60% लगाया हुआ है, 40% इसमें म्यूटेशन ऐड की हुई है और हर साल ऐसे 6-7 तो पेयरिंग की इसको बढ़ाता रहता हूं। बढ़ाते जाते हैं। सही है माशाल्लाह से। मनी भाई कैसा बिजनेस आप देखते हैं, कैसा बिजनेस है एक जो फुल टाइम अगर इसको बिजनेस को करना चाहे तो अपने घर के अखराजात इस दौर में वो पूरे कर सकता है? हो सकते हैं, इजीली हो सकते हैं। हम आपको ना एक चीज़ बताते हैं, जब हम कोई चीज़ कारोबार शुरू करते हैं तो कारोबार शुरू करने से हमें क्या होता है कि कोई चीज़ परचेज की सेल होगी दोबारा परचेज करनी पड़ी। इसमें ये चीज़ आपको बेनिफिट है कि आपने एक बार फिर लगा लिया ना तो वो सालों साल आप चलता चलता जब तक उसकी लाइफ है, लाइफ चाहे उसकी जितनी लाइफ है वो आपको चीज़ देता रहेगा, आप सेल करते रहेंगे, इन्हीं में से इनका दाना पानी होता रहेगा और आपका सिस्टम भी चलता रहेगा। वही वाली बात होगी कि सोने देने वाली अंडे, अंडे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, मुर्गी है ऐसे, जब तक वो जिंदा रहेगी अंडा देती रहेगी और आप इसमें बिजनेस करते रहेंगे माशाल्लाह से। हम मानी भाई के आपको बर्ड्स की पेयरिंग है जो की हुई और जो उनसे म्यूटेशन के बर्ड्स इन्होंने लगाए हैं उनकी क्वालिटी भी दिखाएंगे और कौन कौन से बर्ड्स ये इस साल प्रोड्यूस करवाए इन्होंने वो भी दिखाते हैं। जी मानी भाई सबसे पहले वाला पेयर आपका अल्बाइनो का, ये अल्बाइनो ब्लैक टू ब्लैक का पेयर लगा हुआ है जिससे मैंने स्टार्ट किया था। एक ये है इसके ऊपर एक पेयर है, ये 2 से स्टार्ट, 2 ये है, एक नीचे हम आपको आगे दिखाएंगे। तो ये माशाल्लाह से इसने दोबारा ग्ले किए, पहले इसके 3 क्लास मैंने सेल कर दिए सारे, तो अब इस टाइम इसका 4th क्लास चल रहा है। ये अल्बाइनो ब्लैक टू ब्लैक का पेयर है, ब्लैक टू ब्लैक का, ये वो वाला पेयर है जिसे आपने स्टार्ट किया था? जी स्टार्ट किया था। कितने साल पहले आपने स्टार्ट किया? ये कुछ 4 साल पहले का पेयर है मेरे पास, 4 साल पहले का माशाल्लाह। अभी तो ये इसके दादे पोते बन गए होंगे। हाँ काफी काफी ज्यादा इसको आगे सेल किया। उस वक्त आपने कितने का परचेज किया था ये वाला? ये मैंने उस टाइम इसका बहुत रेट कम था, जब मैंने 2500 का पेयर था तब, तो इस टाइम ये 4500 का पर चीक्स इसका इस टाइम सेल हो रहा है। एक नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा ऐसा ही है। कौन सा पेयर है आपका? ये मेरे पास ना अल्बाइनो रेड आइज की फीमेल है और पार ब्लू का इसके साथ ना लगा हुआ मेल। सही है। तो ये भी ब्रीडर पेयर है,
तो इस टाइम इसने दोबारा एग ले किया है, इसका चौथा क्लच चल रहा है इस टाइम। माशाल्लाह चौथा क्लच आपका है। ये इसका दूसरा एग ले किया आज इसने। ये भी घर की फीमेल है मेरे। ले अभी कर रही है, ले अभी दूसरा है इंशाल्लाह 6 लाख ले करती है फीमेल। इसके साथ ये पार बिल उस प्लेट का मेल लगा हुआ है इसके साथ। ये आप बताइएगा कितने क्लच लेते हैं एक टाइम में आप? इसमें अगर फोस्टिंग करके 5 आते हैं तो जो खुद ये बनाते हैं अपने चीक्स, मतलब कि खुद उनको करवाना फीड सेल्फ तक, तो फिर ये 3 आते हैं। ऐसे 5 आ जाते हैं। कितने क्लच ले, कितने फोस्टर पेयर लगाए आपने? मैंने ये 3 ही लगाए हुए जो अल्बाइनो के ब्लैक आईज, इनके नीचे ही फोस्ट करता हूँ चीक्स को। जिसके पास 4 होते हैं उसको 5 कर दिए, जिसके 5 है उसको 6 कर दिए, ऐसे इसको ना करता हूँ। इनकी छः छः पाँच छः छः कम से कम 6 होते हैं, इससे कम नहीं होते। हाँ ये दूसरा कभी ले किया इसने आज इंशाल्लाह। जी ये रेड टू रेड के लगे हुए 4 पेयर ऐसे ही नीचे, ये सारा पोर्शन इसका ना इसमें अल्बाइनो रेड टू रेड लगा हुआ। ये उनके लिए जो आपको कहते हैं ना कि रेड टू रेड की ब्रीड नहीं अच्छी आती, तो ये मैंने माशाल्लाह से रेड टू रेड लगाया होगा और इनके एवरेज ये 6 अगले करेंगे और 6 के 6 चीक्स के सर्वाइव करते हैं माशाल्लाह। ये भी दोबारा अगले करने वाली है फिर पेयर। आप जो आपके वो लोग कहते हैं कि सर्वाइविंग रेशियो बहुत कम होती है रेड टू रेड की, नहीं नहीं ऐसा तो कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं आया? नहीं नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है, सही हो गया माशाल्लाह। बाकी आप पेयर लेके देखे मेरे से, मैं आपको पेयर लगा के देता हूँ इसका, तो फिर आप खुद इससे देख सकते हैं कि क्या पैसे दे, पैसे देंगे या फ्री? नहीं नहीं आपको फ्री में मिल जाएगा, बाकी पैसे देने पड़ेंगे, मेहनत है ना, बाकियों को पैसे देने पड़ेंगे, मुझे फ्री मिल जाएगा। हाँ जी ठीक है माशाल्लाह से। इनकी जो फौजें तैयार हुई थी वो अगले घर में चले गई हैं? वो अगले घर में चले गई हैं, कोई 2-4 पड़े हुए इस टाइम, बाकी सारे फौज चली गई है, 20-25 थे। क्वालिटी ये बताइएगा मनी भाई, कहाँ से आपने परचेज की माशाल्लाह से अच्छी क्वालिटी के आपके पास बर्ड्स? ये दोस्त है मैंने उससे ना लाहौर से मंगवाया था ये पेयर। सही है चीक से एक एक मंगवाता हूँ, बाकी मेरे घर के पेयर लगे हुए उन्हीं में से, उसको फीमेल घर की है, मेल बाहर से परचेज किया था, तो इनका आप कलर भी देख सकते हैं पेपर वाइट है माशाल्लाह। 4 पेयर लगाए आपने सेम जी? ये सारा नीचे ऐसे नीचे आते जाएंगे आप, ये ऐसे ये वो पेयर है जो तुम्हें स्टार्ट किया था। सेकंड पेयर ये रेड टू रेड का लगा जी, ये वो मेरा चैंपियन पेयर है। ये अग्रेसिव लग रही है, बहुत अग्रेसिव है फीमेल, ये मुंह में डाल देगी ऐसे ही है। सही है ये वो चैंपियन पेयर है जी, ये भी लेइंग पे है। हाई लेइंग पे है ये भी, इनका भी चौथा क्लच है, पांचवा इसका, पांचवा है माशाल्लाह। ये बताइएगा मनी भाई आपके इस रूम का टेम्परेचर, मतलब कि इजीली ये ब्रीड कर लेते हैं? करते हैं मेंटेन में, हम आपको दिखाता हूं इसका टेम्परेचर इस टाइम, ये देखें ये मीटर पे आप चेक कर सकते हैं इस टाइम क्या टेम्परेचर है, 24। हाँ हर टाइम आपको इसी टाइम जिस टाइम भी आप देखेंगे यही मिलेगा। ये वो चैंपियन पेयर है मेरा जिससे मैंने स्टार्ट किया था ना, आपको बता रहा था कि अल्बाइनो रेड टू रेड का पेयर है, ये वो पेयर है मेरा। किसके फुटबॉल के चैंपियन है ये? नहीं ये ब्रीड में चैंपियन है, ब्रीड में चैंपियन है माशाल्लाह से जी। वेरी गुड, नेक्स्ट भी आपने मतलब नीचे भी ये सारा पेयरिंग है ना नीचे, ये पूरा पोर्शन इसका अल्बाइनो का ही है। ये भी इस वक्त एग पे हैं, ये एग पे लैग किए हुए इसने भी, ये 4 एग इसने ले कर दिए अभी, अभी 2 इसके माशाल्लाह से हो रहते हैं, ये भी रेड टू रेड का, सारे सेम क्वालिटी के हैं, सेम होम ब्रीड के हैं ये सारे, ये होम ब्रीड के भी है, इसमें जो फीमेल है वो होम ब्रीड की है, तो इनकी ब्लड लाइन चेंज करने के लिए एक एक पीस मैंने बाहर से लेकर लगवाया था, और इनका कलर भी आप देख सकते हैं पेपर वाइट। इसके बाद भी छठा क्लच भी लेना है आपने? नहीं अभी बस टाइम आगे गर्मी आ जाएगी ना ज़्यादा, तो फिर रोक दिया जाएगा, अभी बॉक्स तारना स्टार्ट हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो अभी यही चीक्स जो हो रहे हैं इस टाइम यही होंगे सारे। जी मनी भाई ये वाला कौन सा पेयर लगाया आपने? ये भी मेरे पास अल्बाइनो रेड आइज की फीमेल है, ये भी मेरी होम ब्रीड है, जो चैंपियन पेयर आपको बता रहा था ना ये उसी की फीमेल है, और इसका भी हम साइज देखें माशाल्लाह, और इसके साथ पार्विलस पेटिनो का मेल लगा हुआ है, और इस टाइम इसने मुझे 7 अभी तक जो क्रीमिनो दे चुका है ये पेयर, मुझे 7 क्रीमिनो दे चुका है, दे चुका है इस टाइम, इसमें से कुछ मैंने आपको अपने लिए रखे होल्ड किए हुए हैं, तो बाकी जो कुछ सेल कर दिया, तो इस साल का 2-2.5 लाख रुपया यही दे गया, यही पेयर दे गया, ऐसे ही है माशाल्लाह जी। तो इसको आपने कोई इस दफा कोई गोल्ड का सेट वगैरह बना के दे देना? नहीं नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं, इसके आपको क्रीमिनो भी दिखाएंगे जो मैंने अपने लिए होल्ड किए हुए हैं। ये है वो पेयर जी जो इस वक्त इन्होंने, बाकी कौन से बर्ड्स आए हैं? नहीं बाकी अल्बाइनो नहीं, बाकी इसके साथ अल्बाइनो भी आया है, रेड टू रेड रेड निकलते हैं, क्रीमिनो आया है और पारबिलू थे, पारबिलू ऐसे सेम क्वालिटी में आए थे वो भी। जी मानी भाई ये वाला कौन सा पेयर? ये भी पारबिलू स्प्लिट है,
पर ये वायलेट कलर में है, वायलेट में है। ये वायलेट में पार्बिनो, इसके साथ बिल्बाइनो रेड इसकी फीमेल लगी हुई है, वो भी लेइंग पे है, वो भी लेइंग, उसने लेग किए हुए हैं, आपको दिखाते हैं उसके भी, माशाल्लाह उसने भी लेग किए हुए हैं, ये देखे माशाल्लाह, इसके नीचे भी 6 एग लाए हुए हैं माशाल्लाह, ये भी रेड आइज की फीमेल है इसके साथ, ये इसको पता चल गया मेरे ख्याल से, एग्स हमें दिखाने के लिए साइड पे हो, भाई ये देखिए अभी इसने क्या दिया आपको इस वक्त, इसने भी अल्बाइनो, अल्बाइनो दिया, पार्बिलो आया इसमें से और क्रिमिनो आया इसमें भी से, माशाल्लाह ये भी स्प्लेटिनो है ना, पार्बिलो स्प्लेटिनो है तो क्रिमिनो कन्फर्म आता है इसमें, इसमें टोटल इतने इस जैसी आपने कितनी पेयरिंग की है, ये टोटल पिछले साल 16 पेयर थे तो उन्हीं में से इतने चीक्स आ चुके अभी तक, 100 रिंग तो अभी तक ये मेरा लास्ट सिस्टम रिंग पड़ा हुआ है 100 डालने इस सीजन का माशाल्लाह, तो उसको अभी 100 रिंग पड़ा हुआ लास्ट, वो अभी डालने आपके सामने डालेंगे चीक्स को, इस दफा माशाल्लाह से सारे लिंग पे है इस वक्त जी 125 तक तो पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, और ये लास्ट क्लाच है इस टाइम, इससे आगे गर्मी ज्यादा हो जाएगी फिर सब ब्रीड से उतार दिए जाएंगे बॉक्स वगैरह, बाहर करना चीक्स मानी भाई, ये वाला कौन से चिक्स हैं, ये भी उसका पेस्टल इनो का लगा हुआ है, पार्बिलो पेस्टल इनो का मेल है, अल्बाइनो रेड आइज की फीमेल है, इसके नीचे भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्रीमिनो देखे, इसमें अल्बाइनो रेड आइज है, ये ब्लू फिशरी है, और ये देखे इसके अंदर फिर क्रीमिनो आया हुआ, क्रीमिनो आ गया, ये देखे इसने भी अभी तक 7-8 क्रीमिनो दिए मुझे पूरे सीजन में जी, ये देखे इसमें से अभी इसका चिक्स, और ये एक अल्बाइनो रेड आइज है इसके नीचे, ये देखे सही हो, और इसका भी कलर देख सकते हैं जैसे पेरेंट्स है वैसे ही है, ये अभी 20 के दिन के होंगे, हाँ 20 के दिन के हैं अभी, ये पेड़ दिखाते हैं जी हम, ये पेड़ लगा हुआ इसका, ये देखें ये पार्बिलो पेस्टलिनो का मेल है, पेस्टलिनो का जी, और अल्बाइनो रेड आइज की फीमेल है इसके साथ, माशाल्लाह अल्बाइनो तो आपके सारे होम ब्रीड ही होंगे, होम ब्रीड है सारी, होम ब्रीड अल्बाइनो की, माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत, इसमें से पेस्टल कोई नहीं आया आपको, नहीं पेस्टल भी आए थे, पेस्टल भी आए जी, पेस्टल भी आया, पार्बिलो भी आया, इसमें फिशरी भी थी और ये अल्बाइनो भी थे, सही हो गया जी, और क्रिमिनो तो मोस्ट नाइस का आएगा, ऐसे क्रिमिनो के लिए जो आपने वर्किंग की जी, क्रिमिनो की जी, मानी भाई ये चिक्स आपके होम ब्रीड है, हां जी होम ब्रीड है, ये मैंने अपने लिए होल्ड किया है, इसमें क्रिमिनो है सही है, और ये पार्बिलो ओपलैंड है, ये देखिए, और ब्लू पेल फेलो है इसमें, ये सामने लगा ये वाला ब्लू, ये ब्लू पेल फेलो, ये आपने प्रोड्यूस करवाया, ये प्रोड्यूस करवाया मेरे घर से ब्रीड, और ये साथ क्रीमिनो होल्ड किए हुए जो आगे ब्लू टू के लिए मेरे काम आ रहे हैं, तो इसके साथ अल्बाइनो रेड आइज है और वो ऊपर पार्बिलो ओपलैंड है, ये आपकी होम ब्रीड, ये साल की क्वालिटी भी आपकी होम ब्रीड की क्वालिटी ये है माशाल्लाह, ये भी चीक्स है, आप इनका साइज वगैरह दे सकते हैं क्रीमिनो वगैरह का, तो अभी ये 4 मंथ के पीस है अभी, जब क्रीमिनो को कहीं स्क्रीन पे नजर आती है ना तो जो लोग कमर्शियल की पेयरिंग को पसंद करते हैं ना तो उनके मुंह में पानी आने लगता है, आएगा इंशाल्लाह, ये देखिए सामने बैठा हुआ अभी क्रीमिनो आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जी क्वालिटी क्रीमिनो की जी, मनी भाई ये वाला कौन सा पेयर, ये मेरी पेल फेलो की वर्किंग है, ये स्प्लेट टू स्प्लेट का पेयर लगा हुआ है, ये ब्लू फिशरी है, स्प्लेट पेल फेलो है, स्प्लेट ओपलैंड है, और ये ग्रीन ओपलैंड स्प्लेट पेल फेलो की फीमेल है, माशाल्लाह, और इसकी आप क्वालिटी भी देख सकते हैं, ये पेल फेलो का इनका बच्चा है, हाँ इनके 2-5 चिक्स आए थे मेरे पास पेल फेलो, 2 मैंने खुद होल्ड किए, इसके बाद आपको बॉक्स में दिखाते हैं, इसमें अभी ग्रीन पेल फेलो इसमें खुद अभी एक प्रोड्यूस हुआ हुआ है इसमें अंदर, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, ये देखिए इसके अंदर ग्रीन पेल फेलो का चिक्स होगा, ये देखें माशाल्लाह से इसके अंदर, ये देखें ये देखें ये इस टाइम इसमें फिर ग्रीन पेल फेलो है, पहले क्लच में ब्लू आए थे, इस पे जो इस क्लच में आए उसमें ग्रीन आए सारे, अभी ये थोड़े से और दिन लेगा तो कब, हाँ ये कर्व होगा, ये भी होल्ड करूंगा मैं इंशाल्लाह, इसकी पेयरिंग भी खुद लगाऊंगा, ये आपने नेक्स्ट साल की वर्किंग, ये नेक्स्ट हाँ आगे जो ओपलैन की वर्किंग है ना उसके लिए, और कौन कौन से हैं, और इसमें एक और चिक्स पड़ा हुआ है, सही है फोस्टर किया है, ये फोस्ट किया होता इसके साथ, इसके 2-5 चिक्स से 2-3 उठा के मैंने किसी और के रख दिए, इसको दोबारा भी ये भी उठा लूंगा इसमें से ना, ये भी फोर्स करूंगा, की वर्किंग का पेयर लगा हुआ मेरे पास, ये ग्रीन ये ओपलैन है, ये ग्रीन जूविंग ओपलैन स्प्लिट ब्लू की वो है मेल है, और ये सिंपल नहीं ब्लू है, ब्लू 2 का पीस है ग्रीन, इस साल कन्फर्म हुआ, ये मुझे हर चीक्स पेयर में ना हर क्लच में पार ब्लू ओपलैन दे रहा है, और 7 ब्लू ओपलैन की इसकी एन है, ये ब्लू 2 का ये कन्फर्म हो गया, ब्लू 2
आपके पास भी ब्लूटूथ की वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है? हो चुकी है माशाल्लाह। नेक्स्ट साल आप क्या देख रहे हैं, ब्लूटूथ का स्कोप कैसा देख रहे हैं? नहीं, उसका माशाल्लाह से अच्छा है, जो आगे वर्किंग है ज्यादा, अगले साल के लिए लगा रहा हूँ, वो लगा रहा हूँ इसकी अल्बाइनो ब्लूटूथ की, अल्बाइनो ब्लूटूथ ब्लैक आईज और ब्लू फिशर, ये होंगे इंशाल्लाह। सही हो गया। इस वक्त भी इनके चिक्स वगैरह इसके आए हुए हैं, चिक्स मैं आपको दिखाता हूँ। ब्लूटूथ कंफर्म है, वो आगे पॉसिबल है, जो ब्लू है ना ये पॉसिबल है, जो आगे हमें ब्लूटूथ पॉसिबल आएंगे उसको टेस्ट भी लेंगे, फिर हमें वो कंफर्म होगा कि ब्लूटूथ है कि नहीं इसमें। सही हो गया जी, चिक्स दिखाते हैं मनी भाई जी, इसमें दिखाता हूँ जो आप ओपलैन का पार ब्लू जो दे रहा है ना, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये पार ब्लू ओपलैन का चिक्स देखें, ये ब्लूटूथ में से आया माशाल्लाह, इसके चेक करें आप। सारे पार ब्लू इन्होंने दिए हैं? नहीं, इसमें से वो भी आया है ग्रीन है, वो पॉसिबल हो जाएगा ब्लूटूथ, और तो जो इसमें से ब्लू आएगा वो कन्फर्म होगा ब्लूटूथ। ये देखें, ये ओपलैन है, दूसरे वाला दिखाइएगा कौन सा माशाल्लाह, उसमें एक ग्रीन जूविंग है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से, ये ग्रीन जूविंग देखें, ग्रीन जूविंग ये देखें, ये देखें, ये भी आपने होल्ड करने अपने लिए? नहीं, ये सेल के लिए है, कुछ पड़े हुए मैं आपको और भी दिखाता हूँ, जो इस टाइम सेल के लिए कुछ हो गए थे, कुछ पीस अभी पड़े हैं, जो अभी सेल करने हैं, वो जिसकी कोई डिमांड होगी उस हिसाब से उसको हम देंगे। ये जो आपको बता रहे हैं कि जो न्यू होम के लिए रेडी है, अच्छा, ये DNA हुए, उनके पास मेल भी है फीमेल भी है, इसमें ग्रीन यूविंग है। इनमें कौन कौन से हैं ये? ये ग्रीन यूविंग है, इसमें ग्रीन यूविंग ओपलैन स्प्लिट ब्लू के। सही है, मेल भी है फीमेल भी है, और ये नीचे ग्रीन लगा हुआ है, तो ये ग्रीन है स्प्लिट ओपलैन पॉसिबल पेल फैलो है। इसके अलावा भी और भी एक पोर्शन में पड़े हुए, आपको पाँच पीस ये हैं, पाँच सात वो पड़े हुए हैं, वो आपको वो भी दिखाते हैं, उसमें अल्बाइनो है कुछ और बाकी ग्रीन के पीस हैं। तो ये DNA हुए इनके पेरिंग बन, हाँ हजूर भाई रिश्ता है इनको, रिश्तों की जरूरत है जी, जो जिनके पास होंगी फीमेल्स या मेल, वो अपने जो चाहिए आपको, मानी भाई सर हाँ जी, जो भी चाहिए आपको इससे मिल जाएगा इसमें। दूसरे दिखाते हैं हम आप जी। अच्छा, ये मानी भाई इनको भी रिश्ते की जरूरत है जी, ये भी DNA हुए हैं, ये भी न्यू घर के लिए रेडी है। सही हो गया। स्मेल बाइनो, स्मेल बाइनो रेडीज है, और ये ब्लू पेस्टल स्प्लिट का लगा हुआ मेल स्प्लिट इन होगा, और सामने ये ऊपर ग्रीन ओपलैन है स्प्लिट ब्लू है, और वो ग्रीन है स्प्लिट ओपलैन पॉसिबल पेल फैलो। सही हो गया, पॉसिबल पेल फैलो का भी बीच में जी ये पड़ा हुआ पीस, बाकी ये ब्लू का नीचे, ये ऊपर रेड के दो पीस पड़े हुए इस टाइम, ये चार तो रमजान पैकेज भी लगेगा, ये रमजान से पहले जो ले लेगा उसके लिए रमजान पैकेज ही है। रमजान पैकेज जी, माशाल्लाह। बाकी आप थोड़ा लेट आए हैं, इससे पहले काफी चीक से कोई 25-30 अल्बाइनो थे और भी म्यूटेशन के थे, वो सारे जो पहले बुक किए हुए थे सबके वो दे दिए सबको। सही हो गया जी। नेक्स्ट क्लच भी आ रहा है माशाल्लाह से, और भी बढ़ जाएंगे। हां, वो भी बॉक्स में है इंशाल्लाह, वो भी सही है, लास्ट क्लास चल रहा है इस टाइम, अभी गर्मी थोड़ा आ जाएगी उसके बाद फिर खत्म होगा, फिर रश दी जाएगी, फिर दिसंबर में इंशाल्लाह दोबारा हर बर्ड्स मिलेगा जी। नाजरीन, ये था मानी जथोल साहब का जो लवबर्ड का आपको सेटअप दिखाया, माशाल्लाह से इनके पास कुछ चिक्स कमर्शियल के पड़े हुए हैं नए घर जाने के लिए, जिनके पास रिश्ता है पड़ा लड़की का या लड़के का, फीमेल का या मेल का, तो मानी साहब से रब्ता कर सकते हैं, जोड़ बन जाएगा, ये बारात लेके आएंगे, कुछ की बरातें आएंगी इनकी तरफ तो लास्ट में हम मानी भाई से पूछते हैं कि मानी भाई कोई पैगाम देना चाहते हैं हमारे नाज़रीन को, आप तो पैगाम दे सकते हैं लबड़ के वाले से, तो इसमें से ये होगा कि आपके व्यूअर के लिए हम स्पेशल डिस्काउंट देंगे, रमजान ऑफर देंगे आपको। सही है जी। कितनी रमजान ऑफर, 50% या 60%? वो बर्ड्स के हिसाब से होगा, बर्ड्स के हिसाब से, जैसा बर्ड्स होगा वैसी ऑफर होगी इसके हिसाब से। सही हो गया। अगर आपके पास भी ऐसा कोई कंटेंट है, ऐसी कोई वीडियो है, तो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, हम आपकी वीडियो को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। कैमरामैन राणा विकास के साथ अपने मेजबान रिजवान अली राणा को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।